So welcome back to a new video which will be completely based on complex analysis. So in this video we are going to perform or we are going to solve a question which is based on complex analysis. The question is find real theta such that 3 plus 2 iota sine theta divided by 1 minus 2 iota sine theta is purely real. We know that a complex number z is said to be purely real if and only if imaginary part of this complex number is zero. So a complex number is said to be purely real if and only if its imaginary part is zero. So agar kisi complex number ka imaginary part zero ho jaye, then that complex number is said to be purely real. Now see, what do we have here? This number. To sabse pehle hum is number ko convert karne ki koshish karenge in the form x plus iota y. ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे. सो हमारा जो प्रयास रहेगा वो ये होगा कि इस नंबर को इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करें x plus iota y की फॉर्म में, where x is your real part and y is your imaginary part, right? Only then we can substitute this imaginary part of z to be zero and we will get our purely real number. So सबसे पहले, एंड वी नो दैट वी आर फेमिलियर दैट दिस अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस फॉर्म ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आयोटा डी, इस तरह के नंबर को इस नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? बाय रैशनलाइजिंग. तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसको सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे और c माइनस आयोटा d से ही डिवाइड करेंगे. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? यही बचेगा फाइनली नंबर. सो अगर यहाँ पे माइनस रहा होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते c प्लस आयोटा d से और c प्लस आयोटा d से ही इसको हम डिवाइड कर रहे होते. बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसका यहाँ पे ऑपोजिट साइन लिखना है. अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस. अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस एंड प्लस से सी प्लस आयोटा डी से ही मल्टीप्लाई और सी प्लस आयोटा डी से ही डिवाइड करेंगे. बट यहां पे फिलहाल हमारे पास प्लस है तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? ए सी माइनस आयोटा ए डी देन प्लस आयोटा बी सी, आप भी करते रहिए साथ साथ में, माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी. नीचे सी प्लस आयोटा डी, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसका फॉर्मूला जानते हैं हम सारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये दिस इज योर ए, ए इज योर सी एंड बी इज योर आयोटा डी. तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा ये ए सी. तो अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करो. ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी एंड आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस बी डी. नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस माइनस प्लस। सो अब क्या करो, जिनके साथ आयोटा अटैच्ड है उनको अलग करो, सो रियल वाली टर्म्स को अलग लिखो और इमेजिनरी टर्म्स को अलग लिखो। तो रियल टर्म क्या आ जाएगी, ए सी प्लस बी डी, ये आ गई आपकी रियल टर्म। एंड आयोटा अगर हम कॉमन ले दोनों, इन दोनों टर्म्स में से अगर हम आयोटा कॉमन ले, क्या होगा हमारे पास, क्या रहेगा हमारे पास, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया नंबर, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये आ गया आपका, सो नाउ दिस इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है आपका एंड ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या, रियल पार्ट क्या है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये जो नंबर हमें गिवन है, सबसे पहले इस नंबर को हमें इस नंबर में, इस वाले नंबर में, इस एक्सप्रेशन में लेके आना होगा, ठीक है। सो इस नंबर में लाने के लिए एज वी नो इसको रैशनलाइज करना होगा, सबसे पहले करो लेट लेट z टू बी दिस गिवन नंबर 3 प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा, और नीचे है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा साइन ऑफ एंगल विच इज थीटा। तो रैशनलाइज करो इसको, 1 यहां पे साइन क्या है, माइनस है तो प्लस। ये एक तरीका, एक मेथड है, ठीक है, इस तरह के नंबर को अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है x प्लस आयोटा वाली फॉर्म में, विच इज दी बेसिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 आयोटा, 2 आयोटा साइन थीटा, और इसी नंबर से डिवाइड भी करना है 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, ठीक है, देखो यहां से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, सो 6 आयोटा साइन ऑफ थीटा, फिर प्लस सेकेंड वाली टर्म से फर्स्ट वाली टर्म को 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड वाली टर्म से प्लस 4, 2 टू जा 4 आयोटा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 दैट इज 1, वैसे भी इसको हम दूसरे वाले तरीके से कर सकते हैं, कौन सा वाला मेथड, इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। सो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ऊपर है 3, पहले ऊपर को हम सॉल्व करें, 3 प्लस 6 आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 दैट इज माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 दैट इज प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। सो
ये दोनों टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में आयोटा है, ठीक है, इस टर्म में कोई आयोटा नहीं है और इस वाली टर्म में भी कोई आयोटा, सो ये रियल टर्म्स है। सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा। अगर हम आयोटा कॉमन ले इन दोनों टर्म्स में से तो अंदर क्या आएगा, अंदर बचेगा 6 साइन थीटा और इसमें इस वाले टर्म में 2 साइन थीटा, 6 प्लस 2 8, दिस इज 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द रियल पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, imaginary part and real part of the given complex number. अब पूछा क्या गया है हमसे, क्या पूछा गया है, that find real theta such that this number is purely real. So ये number purely real कब होगा, इसके according number purely real कब होता है, अगर उसका imaginary part zero हो जाए। तो इस number का imaginary part क्या आ रहा है, so since z is, ये given है, this is given, this is purely real number, तो इसका meaning ये होगा that imaginary part of this number has to be zero. अब imaginary part क्या निकल के आया था, imaginary part आया था हमारे पास 8 sin theta डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है कि रियल थीटा फाइंड करना है सच दैट कि नंबर प्योरली रियल हो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 8 साइन थीटा इज 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 8 इज नेवर 0, वी नो दैट, सो साइन थीटा हैज टू बी 0। So, find real theta, ये याद रखना है, real theta find करना है। So, theta, sin theta is 0, if and only if theta is of the form, theta, sin theta 0 कब होता है, n pi पे, so n multiples of pi, all multiples of pi, all integer multiples, so where n is integer, all integer multiples of pi पे, it is 0. So, रियल की वैल्यू हमें थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी, थीटा की रियल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो आंसर क्या है हमारा कि इन सारी रियल वैल्यूज के लिए, इन सारी रियल वैल्यूज के लिए ये जो वैल्यूज हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई विच इज इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई, दैट इज थीटा इज प्लस, पहले तो जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। सो थीटा की इन सारी वैल्यूज के लिए ये जो नंबर है, दिस नंबर इज प्योरली रियल नंबर। आप चाहें थीटा की वैल्यूज यहां पे रख के देख लें, अगर मान लो यहां पे थीटा की वैल्यूज क्या है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, तो थीटा की 0 वैल्यू रखो यहां पे, थीटा की 0 वैल्यू रखने पे क्या आएगा, दिस इज 3/1, देखो रियल आ गया ये। तो इन सारी थीटा की रियल वैल्यूज के लिए ये नंबर भी रियल ही होगा, तो 3 इज अ रियल नंबर। तो इन सारी थीटा की रियल वैल्यूज के लिए दिस नंबर इज आल्सो प्योरली रियल। आप थीटा की सारी वैल्यूज में रख के देख ले तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक गुड बाय।